किरण जी ने भी, किरण जी कल आपने भी 46 का टारगेट दिया था ना यस बैंक का? यस बैंक का, हाँ बिल्कुल, कल नहीं परसों दिया था शायद, परसों परसों बिल्कुल। चलिए बढ़िया, तो बुलिश है आप भी अभी यस बैंक पे? हाँ, एक पुल बैक रैली देखने को मिल रही है, 45-46 से टारगेट बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए एनर्जी। बिग बुल पीटीएसटी का किरण जी के लिए। बताए सर। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए, अभी सीमेंट क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कल से एक रुझान देखने को मिल रहा है, और अभी अभी जिसने ब्रेकआउट दिया है वो अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक मेरा मानना है कि 45.70-72 पे ट्रेड कर रहा है, 45.50 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरा मानना है कि आपको कैजुअली ये स्टॉक 46.20 के टारगेट्स आज ही दिलाता नजर आएगा। जो वॉल्यूम्स है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस और ऑप्शन चेन का जो बैरियर है, दोनों के दोनों लांग दिया है, तो मेरा मानना है ये एग्रेसिव होके बाय करके चलना चाहिए, काफी बड़ी अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। अब एक बिगुल है 10 की कमाई का किरण जी के लिए। और किरण जी बताइए। हाँ जी, इस बार 10 की कमाई के लिए एक साल का नजरिया रख के बाय करके चलना चाहिए, ऐसा स्टॉक है नौकरी इन्फो एज, जिसको बाय करना है, अभी करीबन 26-28 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 24.75 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 3500 के ऊपर के टारगेट्स एक साल के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ये जो कंसल्टेशन चल रहा है वो करीबन पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, और अच्छे खासे कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वो ब्रेकआउट का टारगेट करीबन 3500 है, तो मेरा मानना है कि एक साल के अंदर ये टारगेट बिल्कुल देखने को मिलेंगे।